भारतीय जनता पार्टी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकाने के आरोप में अजमेर दरगाह का मौलवी सलमान चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के कत्ल करने पर इनाम का ऐलान किया था। सलमान चिश्ती दरगाह थाने का हिस्ट्री सीटर है। नुपुर शर्मा को धमकाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सलमान चिश्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दरगाह पुलिस थाने में सोमवार रात को एक व्यक्ति ने सलमान चिश्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वीडियो में वह दावा करता दिख रहा है कि वह नुपुर शर्मा का सिर लाने वाले को अपना घर सौंप देगा। वीडियो में चिश्ती ने कहा वह पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने पर उसको खुलेआम गोली मार देते। चिश्ती ने वीडियो में कहा जो कोई भी उस नुपुर शर्मा का सिर ला कर देगा वह उसे अपना घर दे देगा। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि आपको सभी मुस्लिमों देशों का जवाब देना होगा। यह मैं अजमेर राजस्थान से कह रहा हूं और यह संदेश हुजूर ख्वाजा बाबा के दरबार से है। दरगाह थाना अधिकारी दलवीर सिंह फौजदार ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी अपराधी प्रवक्ती का है। उल्लेखनीय है कि 17 जून को अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार से कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाल ही में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसका वीडियो पहले से चल रहा था, लेकिन उक्त गिरफ्तारियां उदयपुर में 28 जून को दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले के बाद की गई। इस बीच वीडियो की निंदा करते हुए अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन अली खान के कार्यालय ने कहा कि आरोपी खादिम द्वारा वीडियो में व्यक्त किए गए इस तरह के संदेशों को दरगाह का संदेश नहीं माना जा सकता। कार्यालय ने कहा कि यह उनका अपना व्यक्तिगत बयान है और निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।